हे दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुनिया के सारे बड़े बड़े बिलियनियर्स कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे वो लॉ का पूरा फायदा लेते हैं और कैसे वो अपने इन्वेस्टमेंट में हाईएस्ट रिटर्न कमाते हैं। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सीक्रेट लूपहोल्स के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट में ही अप्लाई होता है, और इसका फायदा लेके आप अपने इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को कई गुना तक बढ़ा सकते हो, या फिर कम से कम टैक्स दे सकते हो, या कह लो जीरो टैक्स कुछ कुछ टाइम। डोनाल्ड ट्रंप अपने इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम टाइम जीरो टैक्स देते हैं लीगली, क्योंकि वो गवर्नमेंट रूल्स को पूरा फॉलो करता है, इसीलिए गवर्नमेंट उसको टैक्स छूट देता है। गवर्नमेंट तो यही चाहता है कि आप उनके लिए जॉब्स क्रिएट करो, अफोर्डेबल हाउसेस बनाओ, इसीलिए वो आपको टैक्स बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, जिसका सही इस्तेमाल करके आप समटाइम्स जीरो टैक्स भी पे कर सकते हो। जैसा रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, टैक्सेस आर द बिगेस्ट एक्सपेंस इन लाइफ, तो हमें उसे प्रोटेक्ट करना होगा। सारे डेमोग्राफिक कंट्रीज में ये लॉज एकदम सेम है, नाम थोड़ा डिफर कर सकता है पर बेसिक प्रिंसिपल एकदम सेम है। अगर आप इसे एक बार समझ लेते हो कि कैसे ये लूपहोल्स काम करता है, तो किसी भी देश में, किसी भी शहर में उसे बेझिझक अप्लाई कर सकोगे और अपने टैक्सेस को बचा सकोगे। तो चलो जान लेते हैं कि कैसे उन लूपहोल्स का इस्तेमाल करना है और रियल एस्टेट आपके लिए क्या क्या कर सकता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि रियल एस्टेट ही दुनिया का पहला मिलेनियर प्रोड्यूस कर चुका है, और आज दुनिया में अबाउट 256 बिलियनियर है इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री से। चाइना फर्स्ट आता है और सेकंड में यूएसए, और हमारे देश में काफी अवेयरनेस प्रोग्राम भी हो रहा है, जिससे आने वाले टाइम पे इंडिया में भी बिलियनियर की संख्या बढ़ेगी इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री से। क्योंकि एक रिसर्च कहता है कि 2030 तक हमारे देश में अबाउट 60,000 स्टार्टअप्स होंगे, जो कमर्शियल, मल्टी फैमिली, सिंगल फैमिली और वेयर हाउस जैसे प्रॉपर्टीज का डिमांड काफी ऊपर ले जाएगा। प्लस गवर्नमेंट भी इस रियल एस्टेट को बहुत ज्यादा पुश कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि देश का मैक्सिमम जॉब्स इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, वो इस पे डिपेंड करता है। अगर इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो लोगों को जॉब्स नहीं मिलेगा और सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा, इसीलिए वो आपको इतना टैक्स छूट देता है यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए। पर लोग कह रहे हैं कि 2021 में मार्केट क्रैश होगा, हाउसिंग क्रैश, पर आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मार्केट क्रैश आता है तो भी अच्छा है, अगर नहीं आता है तो भी अच्छा है, क्योंकि जो लोग फाइनेंशियली एडुकेटेड हैं उन्हें ऐसे क्रश से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो आराम से प्रॉफिट कमा लेंगे, जो 2007 फाइनेंशियल क्राइसिस में हुआ था। कुछ लोग कंगाल बन गए थे और कुछ अमीर बन रहे थे। जो फाइनेंशियली एडुकेटेड है उन्हें पता है जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है, एंड हिस्ट्री डज रिपीट इट सेल्फ। सो डोंट वरी, अगर आपका फंडामेंटल सही है तो चिंता किस बात की, वो क्रश आपके लिए नया अपॉर्चुनिटी खोल देगा, अगर वो होता है तो। और आप तो जानते ही हो कि क्राइसिस के टाइम बुद्धू लोग डैम बनाते हैं और बुद्धिमान लोग ब्रिज। सो डोंट वरी, बट तैयार रहना, तैयार रहना, प्लान बना के रखना दोनों तरफ से ही, अगर होता है तो क्या करना है और अगर नहीं होता है तो क्या करना है। नो इमोशनल अटैचमेंट, जस्ट फैक्ट। और हाँ, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, ये सारी बातें गलत भी हो सकता है, तो ध्यान रखना और फैक्ट्स पर चलना, गैम्बल नहीं करना, फैक्ट्स के हिसाब से ही चलना। तो आप समझ गए हो कि ये इंडस्ट्री कहाँ मूव कर रहा है और आपको क्यों इस बोट में होना चाहिए, आई मीन इस ट्रेड की बोट में। अगर आप और जानना चाहते हो इस बारे में तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताना, मैं इसके ऊपर और एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा और डीप रिसर्च के साथ। अब हम उन सारे लूपहोल्स के बारे में बात करेंगे जो रियल एस्टेट की जान है, जो सारे बिलियनर्स का मेन फॉर्मूला है। हम यहाँ मेन 7 लूपहोल्स के बारे में बात करेंगे और थोड़ा डीप में जाएंगे, जिससे आपको हर एक रूल सही से समझ आए और आप सही से उसे इस्तेमाल कर पाए। तो शुरुआत करेंगे कैश फ्लो से। अब आप बोलोगे ये तो हमें पता है, कैश फ्लो तो सबको पता है, बट वेट दोस्तों वेट, जो आप जानते हो वो तो सिर्फ इसका आधा हिस्सा है, असली कैश फ्लो क्या कर सकता है वो तो अब आप जानोगे। फर्स्ट, कैश फ्लो फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है। याद करो जो हमने पिछले वीडियो में कहा था कि दुनिया का पहला मिलेनियर कैश फ्लो की वजह से ही बना था, वो कैश फ्लो ही था जो उसे पूरी फ्रीडम दे पाया था।
कैश फ्लो में मुझे सबसे अच्छी चीज ये रैट रेस लगता है, आई मीन उससे बाहर निकलने में ये बड़ा भूमिका निभाता है। जैसे मान लो आपका हर महीने खर्चा है 25,000 रुपये, आप कुछ ऐसा सिस्टम बिल्ड करते हो या किसी ऐसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो जो आपको हर महीने 25,000 रुपये जनरेट करके देगा, और जहाँ आपको थोड़ा या ना के बराबर काम करना होगा, तो आप रैट रेस से बाहर निकल पाओगे और अपना पूरा टाइम एंड एफर्ट वेल्थ बिल्डिंग पे लगा सकोगे, क्योंकि आप तो फ्री हो, आपको अपने खर्चे के बारे में उतना फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना सारा टाइम बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट में दे सकोगे, अपने बिजनेस में भी। बस यही नहीं, ये कैश फ्लो आपको इन्फ्लेशन से भी लड़ने में मदद करता है, जो कि हर साल अबाउट 5.5%, और टैक्सेस से भी। आप तो जानते ही हो कि कैपिटल गेन में कितना टैक्स देना पड़ता है। आप कैश फ्लो कमाओगे तो हर महीने आपका इनकम कम दिखेगा और आपको कम टैक्स देना पड़ेगा, या फिर नहीं भी देना पड़ेगा अगर आप सही से फॉलो करते हो तो उस रूल को। क्योंकि इंडिया में अगर आपका इनकम 2.5 से 5 लाख के भीतर होता है तो आपको 5% टैक्स देना होगा, और अगर 2.5 लाख से कम होता है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। प्लस डिप्रिसिएशन, रिफाइनेंस और टैक्स एक्सचेंज कुछ ऐसी चीज है इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जहां आप उस 5% से भी छुटकारा पा सकते हो, जिसे लोग ट्रिपल टैक्स एडवांटेज भी बोलते हैं। ट्रिपल टैक्स एडवांटेज क्या है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पर अब हम ये समझ लेते हैं कि रियल एस्टेट में सफल होने के लिए आपको इस कैश फ्लो के गेम को पूरी तरीके से समझना होगा। सच में ये कैश से आपको बेनिफिट देता है वो आपको पूरी डिटेल में जानना होगा, क्योंकि कैश फ्लो किंग है दोस्तों, कैश फ्लो किंग है। आपको वो सब कुछ जानना होगा और सही से उसे अप्लाई करना सीखना होगा। पर हाँ, इसे मेंटेन करने के लिए आपके पास एक बैलेंस शीट होना चाहिए, नहीं तो कैश कहाँ फ्लो हो रहा है आपको वो ठीक से मालूम नहीं पड़ेगा, कहाँ से ये आ रहा है और कहाँ ये जा रहा है आपको पता नहीं लगेगा, जिससे आप कैश फ्लो के ऊपर कंट्रोल खो दोगे और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर भी। तो कैश फ्लो का मेंटेन करना भी उतना इम्पॉर्टेंट है जितना कि उसे हासिल करना। जैसा कहावत है, आप कितना कमाते हो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि आप कितना बचाते हो। तो इन्वेस्टमेंट के हित में देखा जाए तो ये हर तरफ से आपको फायदा देता है, ये आपको इन्फ्लेशन से बचाता है और टैक्सेस से भी, दोनों तरफ से ये आपको फायदा देता है। हम धीरे धीरे इसके बारे में बात करेंगे और डिटेल में ये सारा एक्सप्लोर करेंगे, अगर आप हमसे जुड़े रहते हो तो और हमारे वीडियोस को पूरा देखते हो तो, क्योंकि हम हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा सीक्रेटिव चीज शेयर करते हैं, कुछ ऐसा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं जो नॉर्मली हिडन होता है नॉर्मल लोगों से, जो सियोरली आपके जर्नी को थोड़ा आसान बना देगा। तो हर एक वीडियो का पूरा देखना, वरना ना देखें आपका नॉलेज आधा अधूरा रह जाएगा, जो काफी डेंजरस है। तो दोस्तों, कैश फ्लो किंग है, कैश फ्लो किंग है। कैश फ्लो में सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगता है वो है कंट्रोल, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है, द कंट्रोल। आप मुझे ये बताओ कि रियल एस्टेट जैसा कंट्रोल कौन सा इन्वेस्टमेंट देता है? दूसरे इन्वेस्टमेंट में आप जस्ट बाय एंड सेल को कंट्रोल कर सकते हो, ना आप उसकी मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकते हो, ना उसके फाइनेंशियल एडवाइजर को। और नॉर्मल स्टॉक में वो कंपनी आपके पैसे को मैनेज करता है, या फिर एक फंड मैनेजर, पर आप नहीं। अगर उसका मैनेजमेंट अच्छा परफॉर्म करेगा तो आपका पैसा भी अच्छा परफॉर्म करेगा, अगर वो बुरा परफॉर्म करेगा तो आपका पैसा भी बुरा परफॉर्म करेगा, जो कि फंडामेंटल एनालिसिस है स्टॉक मार्केट में। पर रियल एस्टेट में ये सब नहीं होता, ए टू जेड कंट्रोल आपके पास रहता है। मार्केट कंडीशन इसमें भी इफेक्ट करता है, पर आप उसे इजीली डील कर सकते हो एक अच्छे प्लानिंग के थ्रू। जैसे मान लो आप एक लैंडलॉर्ड हो, तो मार्केट कंडीशन आपको कितना इफेक्ट करेगा? बस थोड़ा, ज्यादा नहीं। पर स्टॉक मार्केट में एक छोटा सा क्रश आपकी पूरी रिटायरमेंट को, आपकी पूरी लाइफ सेविंग्स को खा जाएगा। आप उस प्रॉपर्टी को अच्छे से मेंटेन करके किसी भी मार्केट कंडीशन में स्टेबल रह सकते हो, उसे हैंडल कर सकते हो। पर गलत मत समझना दोस्तों, गलत मत समझना कि स्टॉक मार्केट बुरा है, वहां इन्वेस्ट करने से आप पैसा खो दोगे। नो, बिल्कुल भी नहीं। मैं जस्ट ये कह रहा हूं कि रियल एस्टेट आपको ज्यादा कंट्रोल देता है, आप इसमें अपने पैसे को ज्यादा कंट्रोल के साथ मैनेज कर सकते हो। बस
पर कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि आप मार्केट के रेट से ज्यादा चार्ज करो। ऐसा करने से लोग वहां से चले जाएंगे और आपका प्रॉपर्टी खाली रह जाएगा, तो आप वो नहीं कर सकते। पर सही मैनेजमेंट के थ्रू या कंट्रोल के थ्रू आप इन सारे प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो और अपने इनकम को बढ़ा भी सकते हो। रियल एस्टेट अच्छे और बुरे दोनों टाइम पे आपको कंट्रोल देता है और किसी भी मार्केट कंडीशन से लड़ने की क्षमता देता है, और आप उसे अपने हिसाब से चला सकते हो। आपको किसी और के ऊपर भरोसा नहीं करना पड़ेगा अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए या अपने पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, कंट्रोल। ये पूरा कंट्रोल देता है, रियल एस्टेट मतलब पूरा कंट्रोल। हमें मानता हूं कि दूसरे इन्वेस्टमेंट आपको ज्यादा रिटर्न देगा कैपिटल गेन के हित में, बट आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं कि स्टॉक मार्केट है ही नहीं, लोग बस बैठे हुए हैं कि आप गलती करोगे और वो उससे फायदा लेंगे। उस कैपिटल गेन में आपको ज्यादा टैक्स भी देना पड़ेगा जब शेयर्स बेच के कमाओगे, जो कि मैंने पहले ही कहा था 5 लाख के अंदर होगा तो 5% टैक्स देना पड़ेगा, उससे ज्यादा तो ज्यादा टैक्स। अल्टीमेटली आपके पास कम पैसा होगा, जो रियल एस्टेट में बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ बहुत सारे लूपहोल्स होते हैं, जैसे ट्रिपल नेट लूपहोल्स, जिसको हम अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, जहां आपका टैक्स बिल्कुल जीरो हो सकता है अगर आप लॉ को सही से फॉलो करके इन्वेस्ट करते हो। तो अब थोड़ा डीप सोचोगे तो रियल एस्टेट ही आपको सबसे बड़ा रिटर्न देता है टैक्स के बाद, और यहीं पे मैक्सिमम इन्वेस्टर गलती करते हैं, वो टैक्स की प्लानिंग ही नहीं करते, जो कि एक बड़ा मिस्टेक है। अरे गवर्नमेंट तो चाहता है कि आप इन्वेस्ट करो, इसीलिए तो वो आपको टैक्स छूट देता है, पर लोग इसका प्लानिंग ही नहीं करते और ज्यादा से ज्यादा टैक्स देते रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कोई भी टैक्स नहीं देता, या फिर रॉबर्ट कियोसाकी, वो बड़े बड़े इन्वेस्टर कोई भी टैक्स नहीं देता, क्योंकि वो रूल्स को सही से फॉलो करता है और उसका प्लानिंग सही से करता है, इसीलिए उन्हें टैक्स छूट मिलता है। पर दोस्तों ये टैक्सेशन बहुत बड़ा है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो वो काम मैं अकाउंटेंट के ऊपर छोड़ देता हूँ। पर आपके पास थोड़ा बेसिक ज्ञान तो होना चाहिए, नहीं तो आप सही टाइम पे उसे अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगले वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये खेल कैसे खेला जाता है, ये टैक्स का खेल कैसे खेला जाता है विथ मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों जान लो, समझ लो, रियल एस्टेट आपको पूरा कंट्रोल देता है, जो कंट्रोल कोई और दूसरा इन्वेस्टमेंट आपको नहीं दे सकेगा। यहाँ पूरा कंट्रोल के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकोगे, बट यहाँ एक वार्निंग, कोई भी इन्वेस्टमेंट बुरा नहीं है, ये तो वो इन्वेस्टर है जो उसे बुरा बनाता है। तो रियल एस्टेट ही बेस्ट है, ये सही नहीं है। आपको बस सही से इन्वेस्ट करना है, लॉ को फॉलो करके इन्वेस्ट करना है। आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करो, अगर आपका प्लानिंग सही है तो आप इस टैक्स को बचा सकोगे और कंट्रोल भी हासिल कर पाओगे। तो ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है, अगेन कोई भी इन्वेस्टमेंट बुरा नहीं होता, बुरा तो वो इन्वेस्टर होता है जिसको पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, बुरा तो वो इन्वेस्टर होता है। फिर आते हैं एप्रिसिएशन पे, यानी द बोनस मनी। इसे डायरेक्टली एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लो आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, जहां आपने अबाउट 20% डाउन किया है और बाकी पैसे को आपने दोस्त से या बैंक से उठाया है और आपने उस प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ा दिया है, जो मान लो अबाउट 20,000 रुपये हर महीने, यानी साल में आपको अबाउट 2,40,000 रुपये रेंट मिल रहा है। तो आपको इनिशियल 20 लाख रुपये जो आपने 20% डाउन किया था, वो आपका अबाउट 9 साल के अंदर वापस मिल जाएगा, साथ में उसका हर साल एप्रिसिएशन भी मिलेगा, जो मान लो अबाउट 6% है हर साल, मिनिमम 6% पकड़ के चल रहा हूँ। तो आपको प्रॉपर्टी अबाउट 1.8 करोड़ की बन जाएगी अगले आने वाले 10 साल के अंदर, यानी आपको 80 लाख फ्री में मिल रहा है, जो 80 लाख इकोनॉमी आपको फ्री में गिफ्ट कर रहा है मैजिक की तरह, प्लस आपको रेंट भी मिल रहा है 20,000 रुपये हर महीने। तो दोनों तरफ से ये फायदेमंद है, पर बस इसके ऊपर बेस करके इन्वेस्ट ना करें। ये एप्रिसिएशन एक बोनस टिप है, ये पैसा इकोनॉमी आपको दे रहा है, जितनी देर तक आप उसे होल्ड करोगे उतना पैसा आपको मिलेगा, सिंपल इज दैट। तो ये एक बड़ा फैक्टर है इस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में, पर ध्यान रखना गैम्बल नहीं करना,
क्योंकि जो लोग बस एप्रिसिएशन के लिए इन्वेस्ट करते हैं वो एक तरफ से गैम्बलिंग कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट कहाँ मूव करेगा किसी को नहीं पता, तो उसके ऊपर बेस्ट करके इन्वेस्ट ना करें, बट इसे साथ में लेके चले। ये एप्रिसिएशन बोनस पैसा है, ये बोनस पैसा है जो इकोनॉमी आपको देता है, जिससे आप इन्फ्लेशन से या सिमिलर चीज से डील कर पाओ। तो गैम्बल नहीं करना, ये बोनस टिप है। एप्रिसिएशन एक बोनस टिप है जो इकोनॉमी आपको प्रोवाइड करता है। अब चलो, दूसरे लोगों से हम पैसा उठाते हैं, यूज करते हैं अदर पीपल्स मनी को। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है पर ये बहुत खतरनाक है। हाँ, आप लोगों के पैसे से प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, पर अगर आपके पास कंट्रोल नहीं होगा तो आप उस पैसे को गवा दोगे और लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। यही वो जगह है जहाँ मैक्सिमम रिलेशन टूट जाता है बस पैसे की वजह से। तो थोड़ा ध्यान से, ये जितना अच्छा है ये उतना बुरा भी है। तो थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से। एक और बेनिफिट है कि बैंक रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए राजी है। कोलैटरल के हिसाब से बैंक उसी प्रॉपर्टी को ले लेगा, यानी अगर प्रॉपर्टी खराब परफॉर्म करता है तो वो बैंक की जिम्मेदारी होगा, आपकी नहीं। ज्यादा रिस्क वो बैंक उठाएगा, आप नहीं। समटाइम्स बैंक आपको 90% या 100% भी फाइनेंस कर देता है अगर उन्हें वो इन्वेस्टमेंट सही लगता है तो। आपको बस उसे कंट्रोल करना है, उसे मेंटेन करना है, जो स्टॉक मार्केट में नहीं होता। हाँ, आपको शेयर्स खरीदने के लिए लोन मिलेगा जो अबाउट मैक्सिमम 50% होगा। 100% फाइनेंस कोई नहीं करेगा क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिस्की है रियल एस्टेट से। इसी ओपीएम की वजह से हमें अपना इनिशियल पैसा 9 साल के अंदर वापस मिल गया था, जो हमने पिछले एक पॉइंट में डिस्कस किया था, क्योंकि हमने बस 20 लाख रुपए उसमें डाला था और बाकी के पैसे को बैंक से उठाया था। जब एप्रिसिएशन अप्लाई होगा तो वो बस आपके 20 लाख के ऊपर नहीं, पूरे 1 करोड़ प्रॉपर्टी के ऊपर अप्लाई होगा, जिससे आपका पैसा भी बढ़ेगा। जिन लोगों के पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा सोर्स है अपना पहला कदम इस रियल एस्टेट में रखने का। वो चाहे तो अपने दोस्त से या पार्टनर से पैसा उठा सकता है ओपीएम के माध्यम से, या फिर बैंक से लोन उठा सकता है उसे फाइनेंस करने के लिए। सीधी शब्द में कहूँ तो आप दूसरे के पैसे को यूज करके अमीर बनोगे, पर ख्याल रखना मैंने क्या कहा था, ये बहुत डेंजरस है, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। एक लोडेड गन की तरह है, गोली आपको भी लग सकता है। तो ध्यान से, थोड़ा ध्यान से। नाउ सबसे इंटरेस्टिंग चीज, द डिप्रिशिएशन, ट्रिपल टैक्स बेनिफिट का पहला बेनिफिट, द डिप्रिशिएशन। डिप्रिशिएशन मतलब आपने टैक्सेबल अमाउंट को कम करना, जो कि टैंजिबल एसेट के ऊपर अप्लाई होता है, लैंड के ऊपर वो अप्लाई नहीं होता। जैसे अगर आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हो जो मान लो अब 1 करोड़ रुपए की है और उसका लैंड वैल्यू है 20 लाख रुपए, तो डिप्रिसिएशन उस बचे हुए 80 लाख के ऊपर अप्लाई होगा, ना कि पूरे 1 करोड़ रुपए के ऊपर, क्योंकि लैंड कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि लैंड कभी भी खराब नहीं होता। 100 साल पहले वो जैसा था आज भी वो ऐसा ही है, आगे भी वैसा ही रहेगा। तो डिप्रिसिएशन बस प्रॉपर्टी के ऊपर अप्लाई होगा। पर डिप्रिसिएशन में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जिनको आपको सही से फॉलो करना होगा इसे सही से अप्लाई करने के लिए। जैसे अगर वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हुआ तो आपको उसे अबाउट 39 ईयर्स तक होल्ड करना होगा। अगर वो मल्टी फैमिली प्रॉपर्टी हुआ तो आपको उसे अबाउट 27 ईयर्स तक होल्ड करना होगा। उसके बीच में आप उसे बेच नहीं सकते, पर हाँ आप उसे पैसा जरूर निकाल सकते हो रिफाइनेंस के माध्यम से, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। डिप्रिसिएशन के ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बना दिया है, आप उसे यहाँ आई बटन पे क्लिक करके देख लो, जो थोड़ा मैथमेटिकल है पर हमने उसे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर मैथ से नहीं डरते हो तो आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। आप यहाँ बस ये जान लो कि अगर डिप्रिसिएशन अप्लाई करोगे तो गवर्नमेंट के नजर में आपका इनकम नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव इनकम में गवर्नमेंट कैसे आपसे टैक्स मांग सकता है, आपका इनकम होगा ही नहीं। दैट मीन्स आपको एक भी पैसा टैक्स देना नहीं पड़ेगा और आप उस पैसे को अपने पास रख पाओगे। वो इनकम कैसे नेगेटिव होता है वो जानने के लिए आप ये वीडियो देख लो, आई बटन पे लिंक है। और एक चीज दोस्तों,
इस डिप्रिसिएशन से मिलता जुलता एक और चीज है जो ऐसा ही इफेक्टिव है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, वो है एमोर्टाइजेशन। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है पर कैलकुलेशन थोड़ा अलग है। डिप्रिसिएशन टैंजिबल एसेट के ऊपर अप्लाई किया जाता है और एमोर्टाइजेशन इनटैंजिबल एसेट के ऊपर, जैसे कॉपीराइटेड मटेरियल, पेटेंट मटेरियल, सॉफ्टवेयर्स, ऐसे चीज़ों के ऊपर, यानी जिसे आप छू नहीं सकते, जिसे आप टच नहीं कर सकते। दोनों ही सेम बेनिफिट देता है, कैलकुलेशन थोड़ा अलग है पर बेनिफिट सेम है। अरे इसका फॉर्मूला तो आपको नहीं बताया, डिप्रिसिएशन इक्वल टू टोटल एसेट वैल्यू माइनस लैंड वैल्यू डिवाइडेड बाय डिप्रिशिएबल इयर्स। आप खुद इसे कैलकुलेट नहीं करना चाहते तो गूगल में जस्ट एक सर्च करो, आपको वर्चुअल कैलकुलेटर मिल जाएगा जहां आप अमाउंट भर के और साल भर के डिप्रिसिएशन अमाउंट कैलकुलेट कर सकोगे, जो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। एक शब्द में कहूँ तो ये डिप्रिसिएशन मैजिक है। अगर आप मल्टी फैमिली को ओन करते हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी को तो जरूर डिप्रिसिएशन अप्लाई करो, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है ये। आपको एक भी पैसा टैक्स नहीं देना पड़ेगा, प्लस आपका रिटर्न भी काफ़ी बढ़ जाएगा, तो इसे अप्लाई जरूर करना। ट्रिपल टैक्स एडवांटेज का सेकेंड एडवांटेज है रीफाइनेंस, जो हम अभी बात कर रहे थे। रीफाइनेंस मतलब आप उस प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा बेच रहे हो किसी दूसरे इन्वेस्टर को या बैंक को। रीफाइनेंस कंप्लीटली टैक्स फ्री है, आपको यहाँ कैपिटल गेन का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है जो आपके हिसाब से सही है, अगर आप उसे डायरेक्टली बेच दोगे तो आपको बड़ा अमाउंट का कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, जो कि अबाउट 15%, यानी 1 करोड़ में 15 लाख। 15 लाख बहुत होता है दोस्तों, आप बिल्कुल भी उसे फालतू में जाया नहीं कर सकते, आप उसे सही से इस्तेमाल करके प्रोटेक्ट कर सकते हो, उसे बचा सकते हो अगर आप इस ट्रिपल नेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हो, स्पेशली रिफाइनेंस से। आप किसी इन्वेस्टर या बैंक के माध्यम से उसे रिफाइनेंस कर देते हो तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी आप उस प्रॉपर्टी के कुछ शेयर्स को इन्वेस्टर या बैंक को बेच रहे हो, जो कि रिफाइनेंस है। इसलिए बहुत इफेक्टिव है, खासकर टैक्स एक्सचेंज में, क्योंकि टैक्स एक्सचेंज में आपको एक साल के अंदर उस प्रॉपर्टी को बेचना नहीं, आप उसे बेच नहीं सकते एक साल के अंदर, अगर बेच दोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए उस सिचुएशन में आपको रिफाइनेंस अप्लाई करना होगा, जिससे आप टैक्स फ्री अमाउंट हासिल कर पाओगे और आईटी डिपार्टमेंट भी उसे अप्रूव कर देगा। सो ओवरऑल रिफाइनेंस बहुत ही बढ़िया तरीका है अपने टैक्स को बचाने का। रिफाइनेंस को मैंने और डिटेल में एक्सप्लेन किया है नो टैक्स की वीडियो में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आराम से देख लेना। अब हम उस एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे जो हमें ट्रिपल नेक्स्ट टैक्स एडवांटेज का तीसरा एडवांटेज है। टैक्स एक्सचेंज मतलब आप एक प्रॉपर्टी से दूसरे प्रॉपर्टी में मूव करोगे एक एक्सचेंज प्रोसेस के माध्यम से, जहां गवर्नमेंट आपसे कोई टैक्स नहीं लेगा। जब आप एक प्रॉपर्टी को बेचोगे और दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोचोगे तब ये एक्सचेंज अप्लाई होता है। फालतू के 15% कैपिटल गेन टैक्स क्यों दूं, उससे बेहतर एक्सचेंज अप्लाई कर लो, वो पैसा वही रहेगा और मैं उसे सही से इस्तेमाल भी कर सकूंगा लीगली। पर इसका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी है जो आपको सही से फॉलो करना होगा, नहीं तो वो टैक्स वाले उसे अप्रूव नहीं करेगा और आपका टैक्स एक्सचेंज फेल हो जाएगा। जैसे वो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होना चाहिए, नॉर्मल रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में वो काम नहीं करेगा, यानी आपको उसे इन्वेस्टमेंट के पर्पस से खरीदना होगा या बेचना होगा। सेकेंड रूल कहता है कि 45 दिन के बाद ही आपको दूसरे प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना होगा जिसे आप नेक्स्ट खरीदोगे, उससे ज्यादा नहीं। 180 दिन के भीतर आपको उस नए प्रॉपर्टी को खरीद लेना होगा, उससे एक दिन ज्यादा नहीं। एक क्वालिफाइड इंटरमीडियरी को काम पे लगाना होगा जो आपको उस पैसे का ख्याल रखेगा जब आप उस एक्सचेंज को करोगे, क्योंकि आप उस पैसे को टच नहीं कर सकते उस टाइम, आप उस पैसे को टच नहीं कर सकते, इसीलिए वो इंटरमीडियरी उसे हैंडल करेगा, जिसके लिए वो कुछ फीस भी लेगा। एक साल तक आप उसे होल्ड करना है, आप उसकी टाइटल को एक साल के अंदर चेंज नहीं कर सकते, अगर करोगे तो फिर से और एक साल से होल्ड करना होगा। और सेम प्राइस की प्रॉपर्टी को खरीदना होगा या फिर ज्यादा प्राइस की, पर कम प्राइस की प्रॉपर्टी आप नहीं खरीद सकते, क्योंकि अगर खरीदोगे तो बचे हुए पैसे के ऊपर टैक्स देना होगा। जैसे मान लो आपने प्रॉपर्टी को 1 लाख में बेचा है और आपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी 90 लाख में खरीदा है तो बचे हुए 10 लाख के ऊपर आपको टैक्स देना होगा। तो एक्सचेंज में आपको सारे पैसे को इन्वेस्ट करना होगा, जो भी पैसा बचेगा आपको उसमें टैक्स देना होगा।
ये एक्सचेंज रूल स्टेट बाय स्टेट वाइज वैरी करता है, टाइम फ्रेम थोड़ा डिफर कर सकता है, पर आइडिया एकदम सेम है, एकदम सेम है पूरे दुनिया भर में। याद रखना टैक्स एक लीगल चीज है, इसे छुपाने की कोशिश भी नहीं करना, रूल्स को फॉलो करना, प्रोटेक्टेड रहोगे, आप कम से कम टैक्स दे पाओगे या कह लो जीरो भी कभी कभी। पर दोस्तों इन सारे लूपहोल्स को अप्लाई करने से पहले प्लीज प्लीज एक टैक्स एक्सपर्ट से इसके बारे में जरूर डिस्कस कर ले। मैंने जस्ट आपको वो आइडियाज शेयर किया है कैसे उसे अप्लाई करना है, वो तो आपको प्रोफेशनली बता सकता है जिससे आप प्रोटेक्टेड रहो, क्योंकि प्रोफेशनल अकाउंटेंट जानता है कि कैसे उन रूल्स का सही इस्तेमाल करना है जिससे लीगली आप और आपका प्रॉपर्टी दोनों प्रोटेक्टेड रहेगा। तो प्रोफेशनल को जरूर हायर करना कुछ भी करने से पहले। तो दोस्तों ये सारे लूपहोल्स हैं रियल एस्टेट की जो सारे मिलियनियर्स बिलियनियर्स अप्लाई करते हैं अपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में। इसीलिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एक टीम गेम है, सही टीम आपको इन सारे लूपहोल्स को सही से अप्लाई करने में बड़ा भूमिका निभाता है। पर इसका एक डाउनसाइड भी है, अगर अकाउंटिंग गलत होता है तो लेने के देने पड़ जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन गलत हो जाएगा तो बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन को डबल चेक कर लेना, क्या पता कोई गलती निकल आए। आईटी वाले बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं इस मामले में, तो रूल्स के हिसाब से चलना, तभी आप इन लूपहोल्स का सही फायदा ले सकोगे। आई नो ये वीडियो काफी बड़ा हो गया है, बस डिटेल में एक्सप्लेन करना जरूरी था। मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये सारे लूपहोल्स आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस टैक्स को थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे अगर आप चाहते हो तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड बी सेफ दोस्तों, थैंक यू।